नमस्कार। आज अपन बात करेंगे भगवान विष्णु के अस्त्र सुदर्शन चक्र के बारे में। क्या आपको पता है भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने दिया, क्यों दिया और वो सुदर्शन चक्र किस धातु से बना है? और ये भी पता है जब सुदर्शन चक्र चलता है ना तो उसकी गति, उसका जो वेग है ना, वो कहां से बनता है, वो गति कहां से क्रिएट होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को यह सुदर्शन चक्र दिया था। एक बार धरती पर दानवों का अत्याचार बहुत बढ़िया था, तो भगवान विष्णु के पास में ऐसा कोई अस्त्र नहीं था कि वो दानवों का नाश कर सके, दानवों को पराजित कर सके। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने भगवान शिव के लिए 1001 कमल फूलों से उनकी स्तुति की। जब वो स्तुति कर रहे थे तो भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल कम कर दिया, और जब एक फूल कम महसूस हुआ भगवान विष्णु को, तब उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया असुरों का नाश करने के लिए। देखिए, सुदर्शन चक्र जब घूमता है ना, तब हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग अग्नि प्रज्वलित करता है। जब सुदर्शन चक्र घूमता है ना, तो हवा के वेग से प्रचंड तेज अग्नि पैदा करता है। ये देखिए आप, इसके ये जो आगे आगे होते हैं ना, ये लोहे के शूल होते हैं, बड़े तीखे होते हैं, लोहे के शूल होते हैं, और जो अंदर ये बना है ना सुदर्शन चक्र, ये चांदी की धातु से बना है, चांदी की धातु। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। यह इच्छा शक्ति के आधार पर चलता है। अब इच्छा शक्ति के आधार पर कैसे? ऐसे जैसे अगर जब चाहा तब छोड़ दिया और वापस यह अपने उसी स्थान पर आ जाता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी का, दानवों का या किसी का भी विनाश करके वापस यह अपने उसी गंतव्य स्थान पर आ जाता है। अब इसके देखिए, इसका जो मेन क्या है, इसकी गति इंपॉर्टेंट है कि ये जो इतनी तेज गति से घूमता है, इतनी जो ऊर्जा इसके अंदर से निकलती है वो कहां से आती है। और अभी भी वैज्ञानिक इस सुदर्शन चक्र के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि जो गति थी, वो ऊर्जा थी, वो कहां से निकल रही। मेन इंपॉर्टेंट है इसकी गति। गति का ईंधन महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो ईंधन यूज होता है ना सुदर्शन चक्र के अंदर, ईंधन जैसे अभी आप कार देखते हो, बाइक देखते हो, पेट्रोल देखते हो, सभी क्या है, कार पेट्रोल से चलती है, बाइक भी पेट्रोल से, इन सब में ईंधन लगता है। लेकिन जब सुदर्शन चक्र में जो ईंधन लगता है ना, वो ईंधन क्या है और कहाँ से आता है, सबसे बड़ी मेन पॉइंट बात यह देखना। सुदर्शन चक्र को संचालित करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। सुदर्शन चक्र जब इसका इस्तेमाल होता है ना, शास्त्रों में उल्लेख है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जब ये दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, तो क्या होता है पता है आपको? जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो इनमें भारी, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और पता है अपने प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन पाया जाता है? देखिए आप, प्रकृति में सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन पाया जाता है। प्रकृति में एकमात्र सूर्य है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन पाया जाता है, तभी उसे इतनी ऊर्जा निकलती है। तभी आप देखते हो सूर्य से कितनी ऊर्जा निकलती है। सुदर्शन चक्र में चांदी का उपयोग इसलिए किया गया कि चांदी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सुदर्शन चक्र में चांदी का उपयोग इसलिए किया गया कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है ना, वो चांदी में सबसे तेज होती है। तो आज आपको समझ में आया कि सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए जो गति मिलती है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है और वो सिर्फ सूर्य के अंदर पाई जाती है। आज भी वैज्ञानिक सूर्य के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन अगर वैज्ञानिक उसको सर्च कर लेना, तो आज पूरी पृथ्वी की जो ऊर्जा की जो प्रॉब्लम है ना, वो सोल्व हो सकती है।